इंडोनेशिया में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए गैर मामूली इकदाम, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भूत बंगले में कैद सजा दी जाने लगी। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह इंडोनेशिया में भी कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जारी है, लेकिन बाज इलाकों में शहरियों की जानिब से लापरवाही की शिकायत के बाद हुकूमत ने बिलावजह घर से निकलने वालों के खिलाफ गैर मामूली इकदाम उठाया है। इंडोनेशिया की हुकूमत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को मोहलिक वबा से खौफजदा करने के लिए शहर से दूर वीरान इलाकों में वाकई सेब ज्यादा घरों में बंद करना शुरू कर दिया है। सरजीन एजेंसी के सरबरा कुशिंदर ओडोंग का कहना है कि ये इकदाम दारुल हुकूमत जकार्ता समेत बड़े शहरों से आने वाले मुतादद अफराद के दाखिले के तनाजुर में उठाया गया है। खातून सियासतदान ने मकामी बरादरियों से ऐसे वीरान घरों की निशानदही कराई जिन्हें आसेब ज्यादा समझा जाता है। हुकाम ने सपात गांव में वाकई आसेब ज्यादा घरों में फासले से बिस्तर लगवाए, जहां करंटीना मुकम्मल न करने और लॉकडाउन कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाले अफराद को रखा जाता है।